सो गाइज वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डीजी टॉक. सो मेरे शो पे पहली बारी आई हैव समबडी जिसे कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स की एज के, और उनका रीज़न है लाने का इन इन कपल का, यू नो. और मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को दिखाइए, उनको ये बताइए कि देर इज़ नो एज फॉर फिटनेस, इसीलिए बिकॉज आप फिट कभी भी हो सकते हैं. तो मेरे साथ जो बैठे हुए हैं बहल सर, दीपक बहल सर, इनकी एज है 65 प्लस. ये आज मैं इनकी फोटोग्राफ्स यहाँ पे कुछ डालूंगा, आप इनकी फोटोग्राफ्स देखिए. ये आज भी ही प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉन्टेस्ट कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है, कंडीशनिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना हर वो चीज़ कर रहे हैं जो एक बॉडी बिल्डर करेगा बनने के लिए. और इनके जो पेरेंट, इनके जो बेटे हैं, वो उन्हें लगता है कि ये उनके भाई की तरह हैं बिकॉज इनका फिटनेस लेवल इतना अच्छा है, बिकॉज यू नो हम अपने काम में लग जाते हैं सारे जब हमारे यू नो ड्यूटीज़ आ जाती हैं. बट पेरेंट्स जब आप कैसे फिट हो, एक गर्व तो होता ही है, प्राउड फील तो होता ही है, बट सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है भाई वो फिट रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो उनकी उम्र बढ़ेगी. सो यही मैसेज इस वीडियो का होने वाला है कि यार अपने पेरेंट्स को भी, अगर आपके पेरेंट्स फिटनेस में नहीं है ना, वो मानते नहीं है, उनको भी फिटनेस में लगा दो. और लेट्स सी बहल सर की जर्नी कि यार इनको क्या सूझा कि ये अभी इन्होंने शुरू करी फिटनेस भी, ये कम्पीट भी करना चाहते हैं. सर वेलकम टू द शो. सर इनकी वाइफ भी हैं, मिसेस बहल भी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैडम, थैंक यू सो मच. तो सर मैं आप ही से जानूंगा पहले, तो मैं वेलनेस क्लब में था, ये वेलनेस क्लब जनकपुरी में ट्रेनिंग करते हैं. तो सर क्या, व्हाट इज़ द गोल ना, मतलब आप 65 आपने मुझे बताया, अब हम हिंदी में बात करेंगे ठीक है सर. मैं चाहता हूँ सारे लोग आपको देखें, आप करें, आपकी इंस्पिरेशन क्या है. 65 आपने जिम शुरू करा हुआ है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको मसल्स बनाने हैं और आप कम्पीट करना चाह रहे हो, व्हाट्स द मोटिवेशन क्या है इसमें. मोटिवेशन यही है कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि एज इज़ नो बार. आप किसी भी एज में अपने आप को फिट रख के और एक लंबी जर्नी में जा सकते हो, और कोई भी गोल अगर आपने रखा है तो उसको अचीव कर सकते हो. और फिटनेस मैं खाली इसलिए नहीं कर रहा, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई आफ्टर 50 हर आदमी को और लेडीज़ को ये स्ट्रेंथ गेन करनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेंथ लूज़ करते हैं. इंस्टेड ऑफ पेइंग टू डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, इट इज़ बेटर कि आप जिम में थोड़ा खर्चा करें और एक्सरसाइज करें और अपने आप को हेल्दी बनाएं, सो डैट कि आपकी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो एक अच्छी तरह गुजरे और आप अपने बच्चों के ऊपर बर्डन ना बने. आप सर मतलब आपकी ट्रेनिंग क्या रहती है अभी, आप मतलब लोग कहते हैं ना कि 60 के बाद 50 के बाद आपको ज़्यादा वेट नहीं उठाने चाहिए, सिर्फ थोड़ा बहुत चलना चाहिए, आपकी क्या ट्रेनिंग रहती है. मेरी वेट ट्रेनिंग है सर, मैं 100 kg की बेंच प्रेस मार लेता हूँ, मैं 30 kg के डंबल प्रेस कर लेता हूँ, मेरे नी बोथ नीज आर माई ऑपरेटेड, इवन देन आई कैन डू 250 kg लेग प्रेस. माई प्लैंक रिकॉर्ड इज 15 मिनट्स. प्लैंक का 15 मिनट तक होल्ड कर सकते हो? 15 मिनट का मेरा रिकॉर्ड है. और अभी मैंने जो प्लैंक किया था इस जिम के अंदर ही, उसका भी वीडियो है. मेरे ख्याल मेरी बॉडी के ऊपर, पीठ के ऊपर उन्होंने 75 kg का वेट रखा था एंड आई वॉज डूइंग प्लैंक. सर आप तो यंग लॉन्डो को चयनित कर रहे हो, क्यों, क्या करना चाह रहे हो आप, क्या साबित क्या करना चाह रहे हो, मुझे ये बताओ आपका मिशन क्या है, विजन क्या है लाइफ का, करना क्या है आपको, मतलब बॉडी बिल्डिंग में कुछ करना है? मुझे एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि स्टेज पर जाके क्या फील होता है. अभी तक मैंने प्राइज़ तो दिया लेकिन प्राइज़ लिया नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्राइज़ लूँ. अब आपके साथ खड़ा कौन हो पाएगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 65 प्लस में. तो आपको लगता है कि आपके लिए जब आप वेट उठा रहे हो, इतने हैवी वेट उठा रहे हो, कि आपकी बॉडी में कुछ चैलेंज नज़र आता है आपको कि वेट उठ नहीं रहे यार, मैं तो मेरी एज हो रही है, कभी आपको ऐसा फील हुआ अपने साथ? ये मैं जब वेट उठाता हूँ तो मैं ये भूल ही जाता हूँ कि मतलब मेरी एज ये है. मैं अपने आप को 20 साल का लड़का समझता हूँ और ऑलमोस्ट मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे साथ में बच्चे कर रहे होते हैं एक्सरसाइज 20 साल 25 साल वाले, वो मेरे साथ कम्पीट नहीं कर पाते. तो मैं वो मुझसे इंस्पायर्ड होते हैं, वो कहते हैं कि मतलब अंकल के साथ करनी है. तो आज की डेट में मुझे अब अंकल कहना उन्होंने बंद कर दिया है, वो कहते हैं यंगर ब्रो. यू आर अ यंगर ब्रो, आप तो यंगर ब्रो ही होते जा रहे हो, अब तो पीछे करते जा रहे हो एज. तो मैडम का क्या है, मैं आप ही से पूछूंगा. तो सर का तो समझ आ रहा है कि चलो मुझे एक प्रूफ करना, कॉम्पिटिशन खेलना है. आप सपोर्ट सिस्टम है, आप भी पूरे फिटनेस में? मैं भी पूरी फिटनेस में हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट ये बोलते हैं तो मेरे को करना, मतलब मैं आती हूँ कि भी चलो इनके साथ मैं भी करूँ, अकेले दोनों जने मिलकर हम करते हैं. तो मतलब आपने उनको भी जोड़ दिया साथ कि भाई मैं अकेले नहीं आऊँगा, मेरे को मेरी वाइफ भी चाहिए. मैं ये चाहता था कि मैं अगर मैं फिट लग रहा हूँ और मेरी वाइफ अगर फिट नहीं लग रही तो जोड़ी जो है मजा वो मज़ेदार नहीं रहेगी.
तो अगर मैं यंग लग रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी यंग लगे, तो मैं अभी तक इसे गर्लफ्रेंड ही समझ रहा हूँ, ना कि मैं अपनी वाइफ समझता हूँ। तो मैं इसलिए जहाँ जाता हूँ ये साथ ही चलती है मेरे। मैं जिम जाता हूँ तो जिम, अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो मार्केट में मेरे साथ में। गाइस ये बहुत बड़ी बात कह दी है सर ने, विच इज़ कि हम क्या करते हैं ना, अपने पे सोचते हैं कि यार मेरी ट्रेनिंग हो गई, मेरी बॉडी हो गई, मेरा ये सब कुछ, हम भूल जाते हैं कि घर पे या हमारी गर्लफ्रेंड है जो बिज़ी है किसी कामों में, घर में अगर वाइफ हो जाती है तो घर के कामों में बिज़ी हो जाती हैं, ऑफिस के कामों में बिज़ी हो जाती हैं, और वो अपनी हेल्थ छोड़ देती हैं। लेकिन ये कि इंस्पिरेशन है कि मैं फिट होऊंगा ना तो मेरे साथ मेरी वाइफ भी फिट होंगी, बिकॉज हमें इकट्ठे चल रहे हैं, हम लोग हमारे बारे में अगर कुछ बोलें भी तो हम एक इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए। ये नहीं कि यार ये कितना फिट है और उनकी वाइफ को देखो ये कितनी अनफिट है। लोग जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा पेयर लाखों में एक मिलता है, तो ये हमारे लिए जो कॉम्प्लीमेंट है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कभी छोड़ ना आने की भी कोशिश करे तो मैं इसको खींच के लाता हूँ जिम में कि भाई हाँ कि कुछ ना कुछ चलो जिम में कुछ ना कुछ करोगे। तो आपका क्या रूटीन रहता है मैडम, कि आप जिम में क्या करती हो? तो सर तो वेट उठाने में लगे हैं, यंगर ब्रो के साथ सबके साथ रहे, आप क्या कर रहे हो? मैं भी सारे वेट उठाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, 7.5 का चेस्ट प्रेस मारती हूँ, बाकी और मतलब जितने भी वेट्स वगैरह सब मैं उठा लेती हूँ, पुशअप मार लेती हूँ, अब मैं चिन अप मार लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ मैं। क्या बोलूँ मैं यार, हाँ शी इज़ द ओनली लेडी इन दिस जिम हु कैन डू पुशअप। अच्छा मतलब नी पुशअप नहीं, रेगुलर पुशअप? रेगुलर पुशअप, शी हैज़ ए वीडियो, दे हैव अपलोडेड। अच्छा मैं सारे वीडियोज़ यहाँ डालूंगा गाइस, इन सब के वीडियोस कि कौन सा पुशअप कैसे पुशअप। तो मैडम क्या मतलब आपका भी कुछ है गोल, है सर का तो गोल नज़र आ रहा है मुझे, आपका भी कुछ है कुछ कम्पीट करने का, कुछ खेलना? मेरा बस इनके पीछे रहने का, भी इनके साथ रहूं हमेशा, और जो ये करें वो मैं करूं, यही मेरी है। गाइस अब देख रहे हैं, मुझे ना इतना अच्छा लगता ना ऐसे लोगों से मिलके, यू नो पहले तो वो बड़े हैं, यू नो रिस्पेक्ट, और दूसरी बात की मतलब ना बड़े यूजुअली क्या करते हैं ना इंडिया में, तो आपको पता ही है ना सर कि वो कहते हैं काम में लगो, किन कामों में लगे हुए हो, और मैं मेरा फोकस ये रहता है कि ना लड़कों को इनकरेज करो, इसमें करियर बनाओ अपना, अगर आपको कोई चीज़ इतनी पसंद है ना तो आप उसमें करियर बनाओ, करियर स्कोप अच्छा, अगर आप जैसे पेरेंट्स होंगे तो मेरे ख्याल से इनकरेज ही करेंगे कि इस इंडस्ट्री में एक अच्छा लुक्रेटिव करियर। आपका कोई मैसेज होगा ऐसा लड़कों के लिए कि आप क्या कहना चाहोगे 60 का, बिकॉज कई पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे, कई लड़के देख रहे होंगे आपको, क्या आप उनको बोलोगे ऐसी चीज़ कि उन्हें लगे कि भाई सर ही हैं आप, उन्हीं की बात सुनेंगे हम? मेरा मैसेज तो ये है कि नॉट ओनली 50 अबव 50, इवन चिल्ड्रन इफ दे प्ले एनी स्पोर्ट्स, यू नीड एनर्जी, यू नीड ए स्ट्रेंथ, and definitely after 50 you need a strength. To strength कहाँ से आएगी? जिम से। जिम से ही आएगी, और जिम नहीं करोगे, वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो स्ट्रेंथ आपकी बन नहीं सकती। अगर मैं इस एज में वेट ट्रेनिंग कर सकता हूँ और अपने वो इतना फिट कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल किसी के लिए भी एज कोई बार नहीं है। और मैसेज यही है कि आप जिम करो, अपने आप को फिट रखो एंड अपनी अच्छी लाइफ गुजारो। आपका क्या मैसेज होगा? आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। मेरा बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ये कि घर पे जितने फिट लोग होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, वो देखेंगे कहते होंगे कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे है वैसे है। अगर एट द एज ऑफ 65 ये ड्रीम कर सकते हैं कॉम्पिटिशन खेलने का, आई एम श्योर अगर किसी को कॉम्पिटिशन नहीं भी खेलना, अपने आपको फिट तो जरूर कर सकते हैं अपनी लाइफ की लॉन्जिविटी के लिए, और सबसे बड़ी बात हेल्थी रहने के लिए। तो मैं तो ये बोलूँगा थैंक यू सो मच सर, आपने इतने लोगों को इंस्पायर करा सर, थैंक यू सो मच मैम, आपने भी इतना वो करा। मैं कह रहा हूँ बड़ों के हमेशा ब्लेसिंग्स लो, मैं तो इनकी ब्लेसिंग्स लूँगा, बिकॉज शायद अगर मैं लकी रहा, शायद अगर मेरे पे भगवान मेहरबान रहा, तो मैं 10% इनके जैसा लग पाऊँ, मैन आई एम 65, अगर मैं लकी रहा सर, मुझे लगता नहीं, बट अगर मैं रहा तो आई एम श्योर ऐसा हो सकता है। अगर आप भी लकी रहोगे, अगर इनके जैसा लाइफ स्टाइल होगा तो आई एम श्योर। मैं एक सजेशन दूंगा आपको, अगर आप 65 में मेरे जैसे लगोगे तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मतलब आप उस टाइम में ये चाहोगे कि मतलब आपके कोई पैर छुए। ठीक है, मैं पैर नहीं छूंगा आपके, आप बड़े नहीं हो, आप मेरे यंगर ब्रो, आई एम इन यंगर ब्रो है। सो आई होप गाइस आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।